हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। कभी हमारा मन होता है कुछ करने का और कभी मन हमारा नहीं करता है कुछ भी करने का, यानी ये सब हमारे मन का खेल है। और जब इंसान पैदा होता है वो उसी मन के वशीभूत होकर चीजों के हिसाब से चलता है, वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाती है जिंदगी उसकी। और वो इंसान अच्छा और गुड डिपेंड करता है कि उसके प्लैनेट कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। हम बात कर रहे थे आपकी जिंदगी में रंगीन चीजों की, यानी आप कैसे किस तरह के इंसान हैं, क्या आप रंगीन हैं या आपको कलर्स पसंद हैं या नहीं, और उन्हीं कलर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उस कलर की जिससे इंसान थोड़ा सा डर जाता है बट वो हॉट भी उसी कलर से लगता है। और वो बात कर रहे हैं हम शनि की, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। शनि से ज़्यादा पॉपुलर इंसान का मतलब प्लैनेट कोई है ही नहीं। और अगर जब भी हम शनि के नाम लेते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जाए और बोले बॉस आपके हॉरोस्कोप में तो दो दो शनि हैं और आपका कुछ नहीं होगा, तो वो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपको डर जाना चाहिए क्योंकि आपका ट्रैक ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग जो जिंदगी में डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं उनको कभी भी सैटर्न से नुकसान नहीं होता है, बिकॉज शनि जो है वो जज है और वो आपके कर्म आपके डीड्स के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है कि इफ़ यू आर इन द राइट ट्रैक, इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग, इफ़ यू आर हेल्पिंग नीडी एंड पुअर, यानी अगर आप परमार्थ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं हिंदी में, तो यकीनन आपको चीजें मिल जाती हैं आपके हिसाब से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी कलर की बात हो रही है, तो शनि का जो कलर है वो ब्लू कलर माना गया है और इवन ब्लैक को भी इन्फ्लुएंस किया गया साथ में। तो ब्लू कलर और ब्लैक कलर में आप बहुत ही हैंडसम, बहुत ही हॉट नजर आते हैं, डिपेंड करता है तो देखने वाले का नजरिया है, बट यू लुक गुड इन इट बिकॉज दे आर योर लकी कलर्स। तो ये लकी कलर्स हैं और यही आपके फेवरेट हैं और ये आपके जिंदगी से जुड़ जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डर जाते हैं, नो आई कैन नॉट बाय अ ब्लैक कार, यू नो ब्लैक इज इन ऑस्पिशियस, बहुत लोगों का अलग अलग उसमें बिलीव रहता है, बट आपको नहीं पता कि आपके लिए ब्लैक ही ठीक है या ब्लू ही ठीक है, क्योंकि सैटर्न आपका अगर योग कारक प्लैनेट है, इफ सैटर्न इज गिविंग यू द राज ऑल अलोन और सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस और योर लॉर्ड ऑफ हेल्थ हाउस, स्पेशली फॉर कैप्रिकॉन एसेंडेंट, एक्वेरियस एसेंडेंट, टॉरस एसेंडेंट एंड लिब्रा एसेंडेंट, सो फॉर देम सैटर्न बिकम्स नंबर वन प्लैनेट फॉर दीज फोर एसेंडेंट्स। तो पहले अपने आप ईमेल करिए हमको और जानिए कि क्या आपके लिए सैटर्न ठीक है जिसके वजह से आप अपनी चीजों को ब्लैक कर सकते हैं। वैसे तो उजाले में रहना चाहिए बट जितनी भी पार्टीज होती हैं वो लेट नाइट तक चलती हैं, तो ऐसे में जो इंसान अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, बिकॉज सैटर्न जो है वो एग्जॉल्ट ही लिब्रा वीनस के साइन में होता है जहां पे टोटल प्लेजर, टोटल एंजॉयमेंट, टोटल लग्जरी होती है। एंड इफ सैटर्न बिकम्स फेवरेबल फॉर यू इट विल गिव यू थिंग्स इन अबंडेंस और इंसान को इतना मिल जाता है जिसके बारे में उसे कल्पना भी नहीं होती। तो ये वो काला रंग है जो आपकी जिंदगी में रोशनी बिखेर देता है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो ये तो बात हुई शनि के डर की, उसके रंग की बेसिकली, और हम शुरू करते हैं अपने उस सिलसिले को जिसे आप इंतजार करते ही रहते हैं और शुरुआत हमेशा की तरह होती है एरीज के साथ। एरीज की शुरुआत हो रही है आज उसी डर के साथ, बिकॉज आठवें घर में चांद है, राहु के साथ है, अफ्लिक्टेड है और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लो के साथ चलना इज द राइट आइडिया, बिकॉज व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल विद यू, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी देन यू विल बी ऑल अलोन। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपके घर के आसपास, माहौल बदल रहा है, कुछ ब्यूटीफुल नेबर्स हो सकता है कि शिफ्ट हो जाएं तो आप भी जाएंगे बहाने से, एक अच्छी बात है क्योंकि तालमेल बिठाना जरूरी है। तो कुल मिला के एक ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आपकी हो रही है, बशर्ते आप मुस्कुराएं। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरस की शुरुआत आज हो रही है बेटर पब्लिक इमेज के साथ, नए एसोसिएशन के साथ, फिर भी पता नहीं क्यों आज आप एक गजल सुनने के मूड में लग रहे हैं कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, ऐसा आपको लगेगा, बिकॉज यू मे कम अक्रॉस द पीपल हु मे नॉट बी स्ट्रेट और डायरेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एट द सेम टाइम यू कुड बी ट्रैवलिंग ओवरसीज, दैट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल। और मुझे लगता है कि आपका कुछ मन भी कर रहा है कुछ करने का, चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं, इट कुड बी अ गुड डे फॉर दैट एज वेल। मिथुन राशि यानी जेमिनी, जेमिनी में आज अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, टीम भी आप बना सकते हैं इफ यू वांट, बट मन में कुछ डाउट सा आपको आएगा कि शायद कुछ हो रहा है, बेसिकली फिजिकल हेल्थ के प्रति यू मे बी फीलिंग इट इज मोर साइकोलॉजिकल, लेकिन रेगुलर मेडिकल चेकअप तो कराना ही चाहिए, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। एट द सेम टाइम यू कुड बी गेटिंग लॉट ऑफ गेन्स बिकॉज ऑफ योर मार्केटिंग स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर प्लानिंग, एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो। यू कुड बी गेटिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज वेल। और आप भी जानना चाहते हैं कि आप जिंदगी में बड़े कब होंगे, तो पहले आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का पहला ईमेल है हमारे पास फ्लोरा का, और फ्लोरा की डेट ऑफ बर्थ है 9th of December 1963, टाइम ऑफ बर्थ इज 4 PM। और फ्लोरा जानना चाहती हैं, प्लीज लेट मी नो अबाउट माई हॉरोस्कोप, दीज आर माई डिटेल्स एंड थैंक यू, दैट्स इट।
बिल्कुल फ्लोरा, थैंक यू फॉर योर ईमेल। दो चार लाइनें और लिखती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन एनीवेज देखिए आपका हॉरोस्कोप तो मैं रीड कर ही दूंगा। 48 की आप हो चुकी हैं, नेवर माइंड, लेकिन किसी को पता नहीं है, बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल्स आर अमेजिंग, यू विल बी इन योर 30s इवन आफ्टर 10 ईयर्स, दैट इज योर स्ट्रेंथ। यू आर रनिंग अ दशा ऑफ जुपिटर एंड राहु टेक्निकली, विच इज अ कन्फ्लिक्टिंग टाइम बिकॉज बोथ आर नॉट फ्रेंड्स, सो देर कुड बी सम कन्फ्लिक्ट, देर कुड बी सम फोर्स चेंजेस अराउंड यू, सो यू हैव टू गो विद द फ्लो, दैट इज द राइट एडवाइस, बिकॉज from December 2011 to May 2013 this Jupiter Rahu dasha will be on. After that it will be Saturn which will start ruling you for 19 log years. 10th lord in 10th house would be good. It will influence you to change your life in many ways. It could be a different place, a different environment, or a different country. It could be doing things in a different manner. You could be changing your everything around you, total change in environment. You can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire, keep doing your daily prayers. Your analytical ability is amazing, your management skills are beautiful, you are beautiful and you are energetic and you think you can do anything, and that misconception will help you to grow. Flora, keep smiling, have faith in God. I wish you all the best. Aaj ka agla email hai mere paas Rahul ka, aur Rahul ki date of birth hai 29 September 1992, time of birth is 8 in the morning. Aur Rahul wants to know, hi Rahul, I live in London. And my son Rahul, okay, I'm sorry, अपने बेटे के बारे में पूछ रही हैं। Please tell me his future, study and work, his life, age, health, marriage. Also my daughter आरती के बारे में पूछ रही हैं कि when she will get married. अब मैं देख रहा हूँ कि आरती का ईमेल है या अगली बार लिया जाएगा। सुनीता, आप उनकी मम हैं। Yes, both born in UK. बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया आपने बता दिया कि दोनों यूके में बॉर्न हुए हैं। और देखिए, पर्सन प्लेस एनवायरनमेंट से सिचुएशन बदलती है और हमारी लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। राहुल के हॉरोस्कोप में मैं बोल सकता हूँ कि राहुल क्योंकि अभी 19 ईयर्स के हैं, लेकिन ही इज ब्रिलियंट। देखिए, हर इंसान को अपना खुद का बेटा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा है। उसकी वजह यह है बिकॉज उसका इंटेलेक्ट लेवल 10/10, उसकी मैनेजमेंट स्किल 10/10, अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ एंड सिचुएशन इज ब्यूटीफुल, एंड ही विल एंजॉय हिज लाइफ। एंड कुछ लोग हैं जो जिंदगी में एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, इज वन ऑफ देम, विच इज ब्यूटीफुल। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट कुड बी वन ऑफ हिज बेस्ट टाइम इन लाइफ। एंड आपने बहुत सारे सवाल उनके बारे में लिखे थे कि येस अबाउट हिज हेल्थ, हेल्थ इज ऑल इन द माइंड बिकॉज ही कीप ऑन थिंकिंग ऑल द टाइम। डॉक्टर विल से इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और हिज लॉट ऑफ थिंकिंग, सो ही नीड टू रिलैक्स, ही नीड टू गिव सम mental break, so let him understand some kind of meditation, that will change his life. Otherwise he can wear an emerald and a diamond, these two stones are good for him. And the other question about him was about his studies and work. Yeah, this is the time when he should be focusing more on his studies. Saturn Mercury dasha is running, which could be a good time, but you need to make him understand, treat him as 29 not 19, so that would be good for him because he's a grown up kid. So you have to support him mentally because he's sensitive deep inside, so that is something which you need to take care of. Otherwise he will be doing good in life, he would be definitely getting a good spouse, he will be doing something good in life, and for your daughter will be taking it next time. I wish you all the best. Kark Rashi yani cancer, cancer ki shuruaat aaj ho rahi hai phasne ke sath, aaj aap phasne wale hain kisi ke pyar mein, mohabbat mein, तो ये अच्छी बात तो लग रही है मुझे, बट ये आपको ध्यान देना चाहिए कि शायद वो ठीक है कि नहीं, बिकॉज कुछ लोग मैरिड भी हैं तो उनको भी देखना है। और तीसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि कुछ आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी अपने वर्क एरिया में, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग मार्केटिंग में हैं या मैनेजमेंट में हैं, इवन मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इट कुड बी अ गुड डे फॉर देम, एंड आई थिंक टुडे यू कुड बी गेटिंग सम सरप्राइजेज एज वेल। सिंह राशि यानी लियो, लियोज की शुरुआत आज हो रही है। पब्लिक इमेज के वजह से थोड़ा कंसर्न लग रहे हैं, लग रहा है कि कुछ वो कुछ कह रहा है या उसने कुछ सोचा या उसने आपको देख लिया, तो नहीं देखा है, खाली आपके मन में दुविधा है, डाउट है, तो भूल जाइए उसको। दूसरी बात यह है कि यू हैव टू यू नो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ऐसा कहा जाता है, बिकॉज पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होता है आपके पॉजिटिव अप्रोच के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव, लक वुड सपोर्ट यू, योर बॉस विल सपोर्ट यू एज वेल, सो इट कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट डे, बट यू हैव टू बी हैप्पी, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। कन्या राशि यानी वगु, वगुस की शुरुआत हो रही है हार्मनी क्रिएट करने के साथ, बिकॉज यू नो आजकल एवरीबडी यू नो वी आर बिकमिंग मोर सेल्फ सेंटर्ड, तो दैट इज नॉट गुड, सो वी नीड टू बिकम मोर सोशल, वी नीड टू लुक एट द एनवायरमेंट अराउंड अस, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल एम्बियंस एज वेल। यू कुड बी गेटिंग अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मे बी बिकॉज ऑफ योर सम इंश्योरेंस इन द पास्ट और सम फिक्स डिपॉजिट विल मैच्योर, यू कुड बी गेटिंग सम गेन्स बिकॉज ऑफ योर ओवरसीज कनेक्शन, दैट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल। इवन ट्रैवलिंग कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर टुडे। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए जिंदगी में वो कौन से ऑप्शन हैं जो जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, तो पहले आप हमें ईमेल पहुंचाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना पूरा सवाल लिखिए जो मैं पढ़ सकूं सबके सामने, क्योंकि लास्ट में लोग लिख देते हैं कि प्लीज ये टेलीविजन में मत रीड करिएगा, तो ऐसा मत करिए, वही लैंग्वेज को यूज करिए विच इज यू आर कंफर्टेबल विद, और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर।
और आज का अगला ईमेल है हमारे पास आरती का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25th of January 1988, टाइम बर्थ इज 8 इन द मॉर्निंग, एंड आरती जानना चाहती हैं, माय डॉटर इज आरती एंड अच्छा ओके आरती, हर वेडिंग व्हेन सुनीता, बिल्कुल मैंने कहा था, देखिए अभी हम उसका लेंगे और आप भी गया, ईमेल आपने लिया और हमने ले लिया, ये बहुत अच्छी बात है और ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए आपकी जो ब्यूटीफुल डॉटर है आरती, उसकी मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उसका ब्यूटीफुल प्लैनेट वीनस योग कारक है, विच इज गिविंग हर राजयोग ऑल अलोन एंड इट इज एग्जॉल्टेड इन नवमशा विच इज ब्यूटीफुल, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वीनस के 20 ईयर्स का दशा एंड हो रहा है, दिसंबर 2011 से लेकर फरवरी 2013 केतु की दशा आती है वीनस के साथ, जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करती है, तो शी इज 23 की हो गई है बेसिकली, कि यस देर कुड बी सम चेंजेस हियर एंड एक नई बिगनिंग होगी, जो भी एसोसिएशन किसी भी तरह का प्रपोजल या किसी तरह की लाइकिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो ब्रेक के बाद जो शुरुआत होगी सन की दशा में, शी विल बिकम मोर मैच्योर्ड मोर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज शी इज ब्रिलियंट, मेंटल पीस इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर हर, शी इज वेरी करेजियस, वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, ब्यूटिफुल हॉरोस्कोप, हू एवर विल मैरी हर विल बिकम समवन बिकॉज हर सन वीनस एंड जुपिटर मर्कुरी इज एक्सोल्टेड नवमशा इंक्लूडिंग मून विच इज ब्यूटिफुल. So she is a lucky child and she will be getting the best. So whatever has happened in the past, forget about it. Aarti has to do something different and it could be a beautiful phase of her life from next year onwards. And that would be the time when she will be getting married between 2013 to 14. So just go with the flow. She is a wonderful person. I wish you all the best. So Aarti ke baad ab email hai hamare paas Juhi ka. और जो ही की डेट ऑफ बर्थ है 31st of October 1996, टाइम ऑफ बर्थ 7:20 इन द मॉर्निंग, और जो ही के बारे में सवाल है, हेलो आई लाइक टू नो फॉर माय सन, ओके जूही अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, ही इज नॉट गेटिंग द रिजल्ट एज पर हिज परफॉर्मेंस, ही हैज गॉट नेगेटिव एटीट्यूड, व्हाट टू डू, हाउ विल बी हिज करियर, व्हाट ही शुड स्टडी, रिगार्ड्स जूही. जूही नाम मुझे बहुत पसंद है, स्कूल से मुझे कुछ ज़्यादा है, एनीवेज 15 इयर्स का आपका बेटा हो गया है जूही जी, और आपका जो बेटा है वो ब्रिलियंट है, और 2010 और 11 जो है इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम, टोटल वो डिप्रेशन जैसा सिचुएशन था इतनी कम एज में, मतलब ही हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, आपने उसको डांटा कि पढ़ो तो वो अपनी किताब को उल्टा लेके बैठ गया, तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, राहु की दशा उसको रूल कर रही थी सिंस 18 लॉन्ग ईयर्स, अब वो दशा एंड हो रही है, अक्टूबर से गुरु का दशा शुरू हो जाएगा, गुरु इसका थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस है विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जुपिटर का मतलब होता है विजडम एंड नॉलेज, हायर एजुकेशन, तो दिस इज अ टाइम व्हेन ही वुड बिकम ए वाइज मैन, यू विल बी सरप्राइज दैट योर किड हैज चेंज कंप्लीटली, हैज बिकम ए मैन एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प हिम टू ग्रो, ही कैन वियर एन एमरल्ड and that could be good for him, just try him to understand the meditation part and that will clearly change his life, he has a brilliant horoscope and I think by the grace of God he will be doing something good in life, Juhi ji don't worry about him, I wish you all the best. Aur अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपकी बाकी बची हुई राशियों के बारे में और देंगे आपके सभी सवालों के जवाब भी, हम यूं गए और यूं आए, आप देखते रहिए किस्मत के सितारे.